आप सभी को जय यीशु की। मैं फादर आलोक नायक मेरे YouTube चैनल फादर आलोक मिनिस्ट्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि फादर विवियन फर्नांडिस के कहने पर यह वीडियो बरेली धर्म प्रांत के सभी क्रूसवीर बच्चों के लिए और साथ ही साथ सभी बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाया जा रहा है। इसमें मैं सिनड 2021-2023 क्या है इसके बारे में बहुत ही साधारण भाषा में संक्षिप्त रूप में आप सभी को बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आप में से कुछ लोग यह पूछ सकते हैं कि यह सिनड बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, बच्चों को इसमें क्यों घसीट रहे हैं। अगर आप लोग यह सिनड का लोगो देखे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि बिशप स्वामी जी सभी के बीच में हैं, उनके साथ बहुत सारे विश्वासी लोग हैं और बहुत सारे अन्य लोग भी हैं, पर सबसे आगे बच्चे हैं जो उन सबों को एक साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए बच्चों का भूमिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बच्चों को यह सिनड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम समझते हैं यह सिनड क्या है। इसे समझने के लिए मैं इसे 5 बिंदुओं में विभाजित किया हूँ या डिवाइड किया हूँ। पहला बिंदु है द वर्ड सिनड, सिनड शब्द। दूसरा है मीनिंग ऑफ द वर्ड सिनड या सिनड का अर्थ। तीसरा है थीम ऑफ द वर्ड सिनड या सिनड का जो उद्देश्य क्या है। चौथा है टाइप्स ऑफ सिनड, सिनड कितने प्रकार है। और पांचवा है यह सिनड बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, यह सिनड के बारे में बच्चों को क्यों जानना है और इस सिनड में बच्चे किस प्रकार से भाग ले सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। पहला बिंदु है द वर्ड सिनड यानी सिनड शब्द। सिनड शब्द 5 लेटर का शब्द है। अगर हम इसे स्पेल करेंगे तो यह है SYNOD, SYNOD। तो यह हो गया पहला द वर्ड सिनड। दूसरा है द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिनड, ये सिनड का अर्थ क्या है। इसे भी अगर हम गूगल में ढूंढेंगे द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिनड तो हमें सबसे पहले इसका अर्थ दिखाई देता है पादरियों की सभा। उसके नीचे अगर आप देख रहे हैं तो उसके नीचे है धर्म सभा और उसके नीचे है सभा, यानी यह एक बैठक है, यह एक सभा है या एक मीटिंग है। प्यारे बच्चों, तो आइए हम इसे एक छोटी सी उदाहरण के साथ समझते हैं। आप सभी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में भाग लिए होंगे। इसमें आपके मम्मी पापा आपके टीचर्स से मिलते हैं और आपके बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार आप पढ़ाई में बेहतर बन सकते हैं। इसी प्रकार संत पिता, धर्माध्यक्षों और कुछ धर्म संघी एक साथ बैठकर वे चर्चा करते हैं, मीटिंग करते हैं कि किस प्रकार से हम हमारे विश्वास को या हमारे कलिसिया को बेहतर बना सकते हैं। इसी मीटिंग को या इसी सभा को हम लोग सिनड कहते हैं या धर्म सभा कहते हैं। प्यारे बच्चों, और तीसरा बिंदु है थीम ऑफ सिनड, यह सिनड का उद्देश्य क्या है। इसमें हम लोग दो विषय पर सुनेंगे। पहला है यह सिनड का नाम क्या है और दूसरा है
यह सिनर्ड का उद्देश्य क्या है? इसका नाम है सिनर्डल चर्च। सिनर्डल चर्च, इसी नाम में ही इसका उद्देश्य छिपा है, या इसका उद्देश्य क्या है यह हमें इससे इसके नाम से ही पता चल जाता है। सिनर्डल चर्च, इसका अर्थ है लिसनिंग टू अदर्स, यानी दूसरों को सुनना, और वॉकिंग टुगेदर, यानी एक साथ चलना या एक साथ मिल के जाना। और चौथा बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ सिनर्ड, यानी ये सिनर्ड कितने प्रकार है। ये सिनर्ड मुख्य रूप से तीन प्रकार है। पहला है ऑर्डिनरी सिनर्ड, दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनर्ड, और तीसरा है स्पेशल सिनर्ड। आप लोग सिनर्ड कितने प्रकार है अगर कोई पूछते हैं तो आप याद रखिए, पहला है ऑर्डिनरी सिनर्ड, दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनर्ड, और तीसरा है स्पेशल सिनर्ड। और ये सिनर्ड 2021-2023 जो सिनर्डल चर्च के नाम से जाना जाता है, यह ऑर्डिनरी सिनर्ड में आता है। इसकी शुरुआत हम लोग इसी साल की अक्टूबर महीने में किए हैं और इसकी समापन 2023 को अक्टूबर महीने में वैटिकन में होगा। और प्यारे बच्चों, पांचवा बिंदु है बच्चे इसमें कैसे भाग ले सकते हैं, और बच्चों का इसमें भाग लेना क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो लोगों में देखा तो उसमें बच्चे सबसे आगे हैं, वे सबों को एक साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप भी वही भूमिका निभाइए। आपके परिवार में आपके माता पिता को चर्च में लाने का, कलिसिया में लाने का, मिस्सा बलिदान में लाने का जिम्मेदारी आप लीजिए। जो पिता प्रार्थना में भाग लेने नहीं आते हैं, आप यह जिम्मेदारी लीजिए कि आपके द्वारा आपके पिताजी चर्च में आए। और दूसरे तरीके से आप किस प्रकार से इसमें भाग ले सकते हैं, जब भी इसके बारे में आपके पल्ली में जब डिस्कशन किया जाता है या इसके बारे में कुछ भी सभा या मीटिंग की आयोजन किया जाता है, आप उसमें भाग लें, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके द्वारा भी संपूर्ण कलीसिया के लिए कुछ बताना चाहते हैं। और तीसरा विषय है, आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चों के साथ पढ़ाई करते हैं। आपके स्कूल में बहुत सारे हिंदू बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, और दूसरे डिनोमिनेशंस के ईसाई बच्चे हैं, और अन्य अन्य धर्म के बच्चे भी हैं। पर आपके दोस्त कौन है? क्या सिर्फ और सिर्फ ईसाई बच्चे ही आपके दोस्त हैं? क्या आप सिर्फ और सिर्फ ईसाई बच्चों के साथ ही दोस्ती करते हैं, या आपके दोस्त बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम बच्चे भी हैं और अन्य धर्म के बच्चे भी हैं? तो आइए यह सिनर से आप यह सीखें और हम सभी यह सीखें कि हमारी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ ईसाई बच्चों से नहीं, बल्कि हमारे दोस्ती के सर्कल को बड़ा करें, सभी हिंदू बच्चों के साथ भी मिले, उनसे भी बातें करें और उनके बातों को सुने, सभी मुस्लिम बच्चों से भी मिले, उनसे भी दोस्ती करें और उन्हें भी सुने, और दूसरे धर्म के बच्चों से भी जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें आप सीखें, और उस अच्छाइयों को अपने जीवन में आप जिए। तब यह सिनर्ड का उद्देश्य जो है दूसरों को सुनना या एक साथ मिल के चलना, ये पूरा हो जाएगा। आप भी अपने स्कूल में इसका उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम सभी इस सिनर्ड के बारे में और एक बार इसे रिवाइज करें। हम लोग पहला बिंदु पर डिस्कस किया है
द वर्ड सिनर यानी सिनर शब्द, इसमें हम लोग इसका स्पेलिंग और इससे किस प्रकार से उच्चारण करते हैं इसके बारे में डिस्कस किया। और दूसरा बिंदु है मीनिंग ऑफ द वर्ड सिनर यानी यह सिनर का अर्थ, यह इसका अर्थ है धर्म सभा। और तीसरा बिंदु है थीम ऑफ सिनर 2021-2023, यह सिनर का उद्देश्य हम लोगों ने देखा। इसमें हम लोग सिनर का नाम, जो सिनर्डल चर्च, और सिनर का उद्देश्य जो एक साथ चलना, दूसरों को सुनना, इसके बारे में चर्चा किया। और चौथा विषय है सिनर के प्रकार या टाइप्स ऑफ सिनर, इसमें हम लोगों ने देखा ऑर्डिनरी सिनर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनर एंड स्पेशल सिनर। और आखिर में हम लोग बच्चे किस प्रकार से इसमें भाग ले सकते हैं इसके बारे में चर्चा किया। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक साथ मिलके हम इस सिनर में भाग लें, इस सिनर के बारे में जानें। और जो भी इसके बारे में नहीं जानते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें इसके बारे में बताइए। आप सभी को मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सभी यह वीडियो को आपके पैरिश के बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इसको देखें और इसके बारे में जान सके। धन्यवाद।